आई थिंक ये हमारा लास्ट वीडियो होगा वैसे, जब हम 5-6 एक साथ हैं लास्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो है बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन और साथ ही साथ है गेट टुगेदर हम पांचों फ्रेंड्स का। बहुत टाइम बाद आज हम साथ में मिलने वाले हैं, घूमने वाले हैं और बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी दिवाली में हम सब मिले थे बट अब हम दिवाली के बाद हमने थोड़ा डिसाइड किया है कि अभी हम साथ में हैं तो हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे जहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो बने रहना वीडियो में आगे तक देखने के लिए कि हम क्या क्या मस्ती करते हैं। तो सबसे पहले मैं गई इन दोनों के लिए केक लेने के लिए। वैसे मैंने एक ही केक लिया क्योंकि यार वेस्ट हो जाता है, मुझे खाना वेस्ट होना बिल्कुल नहीं पसंद। ये वाला कर दो 240 का। हाँ सुनो, मैं ब्लॉग बनाऊंगी यार तुम्हारे बर्थडे का और डालूंगी 10 तारीख डालूंगी दिसंबर में, ठीक है? हैं दोनों की बर्थडे की पार्टी, ब्लॉग डलेगा दिसंबर, ठीक है? दोनों ही सुंदर लग रहे हैं बहुत। इतने सारे ब्लॉग नहीं बना रहे इसलिए। तो हम चले गए थे पार्टी करने के लिए। तो हम आए हुए थे मार्टिन्स रिजॉर्ट जो कि रैवला में ही है, यहाँ पे वेडिंग भी होती है। वैसे यहाँ पे ना शोर हो रहा था पीछे से क्योंकि यार वो मैचेस चल रहे हैं क्रिकेट के, तो बस वो सब भी रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्क्रीन में यहाँ पे क्रिकेट चल रहा था जो कि सब देख रहे थे एंजॉय। अंदर से यार उजाले में ना यहाँ पे केक काटने आ जा रहा ना, इतना ही चल रहा तुम्हारे दिमाग में। तो वही तो अंदर से ही है यार, बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, ठंडा है यार, सर में पाला पड़ेगा। दिखा यहाँ पे फेस, दिखा, अच्छी लग रही लाइट। ओए चश्मिश फ्लिप फ्लॉप मारू तेरे पे। केक है वो, आई थिंक ये हमारा लास्ट वीडियो होगा वैसे, जब हम 5-6 एक साथ हैं। लास्ट भी है, उसके बाद लास्ट देख लेना, लास्ट होगा, लिख के दे रही मैं। क्यों? बस कह दिया मैंने। क्यों तू नहीं रहेगी क्या? बेबी शादी करके जा रही है, बेबी के ससुराल। ये लास्ट वीडियो है हमारी कि जिसमें अभी हम 5-6 साथ में हैं। रो जाओ, फेयरवेल है हमारी। क्या मतलब था इसका? ये तुम्हें हम बाद में बताएंगे, अभी हम तुम्हें ये चीज लास्ट में बताएंगे जब ये चीज हो जाएगी। कब हो जाएगी? सो पूरा मत माना, हम सब चीज लास्ट में सरप्राइज देने वाले हैं तुम्हें, क्या सबको, ठीक है? बट ये समझ लो हमारा लास्ट है, अभी 5-6 साथ में बैठेंगे, उसके बाद हम पूरे 3-4 साल बाद साथ में बैठेंगे, या फिर क्या पता मेरे शादी में सबके सब 5-6 एक साथ हो। तेरे शादी के मामले में दोनों की गाल है, दोनों की गाल है, पर ज्यादा ब्यूटी इधर है गाइस, इधर तो सिर्फ फैट है, कुदरत और ये ब्यूटीज हमारी कुछ नहीं है, मेकअप का कमाल है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ओ माय गॉड। गाना मत गाओ, सॉरी, ये गाना मत गाओ, इस गाने में कॉपीराइट आ रहा है, गाना मत गाना कोई भी, ये वाला गाना कोई नहीं गाएगा, ठीक है? मैंने इसमें 3 वीडियो डाली, तीनों के तीनों में कॉपीराइट आया है तो मैंने डिलीट कर दी, इसलिए ये गाना गलती से मुंह से मत गा देना, गलती से गाइस। तो हमारा खाना आ चुका है, हमने सिर्फ प्याज मंगाई है क्योंकि जो बहुत महंगी है, और हमारी फ्रेंड डबलाल ने सालों से प्याज नहीं खाई है क्योंकि वो पंडित है। इस वक्त सबसे अमीर हम हैं क्योंकि प्याज हो रखे हैं 70-80 रुपए किलो और हम खा रहे हैं प्याज, हम स्पेशली आप प्याज खाने आए हैं। सो गाइस फ्री के प्याज, वो भी सिर के वाले, एक्सपेंसिव सिर का प्याज। गाइस मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतने टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिली हूँ, सबके साथ मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। सुनो स्पीच नहीं देनी है, स्कूल की स्पीच नहीं देनी है। डबराल आप कुछ कहना चाहोगी? की एक्टिंग कर रही है, कुछ कह दो मैम, एक्टिंग प्लीज डबराल। तुम
क्या हो अब मोनिका की बात, अब मोनिका फ्लिपकार्ट आंटी कुछ बोलेगी, बोल जल्दी फ्लिपकार्ट आंटी। फ्लिपकार्ट में मोनिका कैसे बोलती है बोलना एक बार। हेलो हेलो, जैसे मैंने कॉल किया राइट आ जाएगा तुझे। अरे नहीं, जैसे मैं तुझे कॉल कर रही हूँ मोनिका, जैसे मैं कॉल करूँ मैम मेरा पार्सल क्यों नहीं आया जल्दी बोल, कॉपी राइट आ जाएगा। अबे नहीं आता जल्दी बोल, मैम मेरा पार्सल नहीं आया बोल। अरे अबे भाव मत था, स्क्रिप्ट वो करना वो है। अबे सुन, ऐसा है तुम्हारी ढोंगी स्क्रिप्ट था, कर सकती क्या आधा कर। मैं आपको आज अपना एक राज बताऊंगी, जब भी घूमने का मतलब जब भी घूमने का प्लान होता है ना, तो मेरे फेस में आपको एक पिंपल जरूर मिलेगा। आज मेरे फेस में ये वाला पिंपल है, ये दियो टिश्यू का डब्बा। और नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको मेरा पिंपल मिलेगा, उसके नेक्स्ट व्लॉग में भी आपको मेरा पिंपल मिलेगा, क्योंकि यही है मेरी लाइफ। जब भी शादी होती है, घूमना होता है, मेरे मुंह में दाने हो ही जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शी वॉन्ट कोक, हाँ भाई कोको कोला। मैं सीरियसली बहन मैं ऐसी नहीं हूँ, राधे राधे जस्ट शट अप। हाँ ये अपनी दे आर वेरी एक्साइटेड टू डिग इन से दियो। तो मैंने सोच का था डिगिट ऐसा, तुमने सुना नहीं है कि मीम्स? हाँ हाँ, यू डन फॉर इट बे, एक ही कटोरी दीजिए, यू वांट इट, यू वांट इट, या हाँ, यू डाइंग फॉर इट, गेट आउट माय बैग। यू आर द क्वीन ऑफ दिस व्लॉग। हाँ बहन है तू, है तू खूबसूरत की बला बला। अबे बहन के लेक्चर दे दे, मेरा दिमाग है थोड़ा निकला, तेरा दिमाग है थोड़ा तला। खाने के बाद का हाल, कटोरी लटक रही है, इसकी कटोरी भी ऐसी लटक रही है सेम। ये देखो सेम। और ये सारा खा के इन सबको माच लग चुकी है, अब कोई टस से मस नहीं हो रहा है। और ये हेल्थ कॉन्शियस गर्ल ओनली दाल पी रही है, और इनको तो क्या ही बोलना है, इनको तो भरपूर पेट में खाना का थमाचा बना रहे हैं, बहुत टाइम बाद खा रही है। पर हम दोनों की कटोरी सेम। सो ये केक लाई हूँ मैं अपनी बहन और अपनी दोस्त के लिए, ये हम तीनों की तरफ से है, मेल्टेड चॉकलेट फ्लेवर। तो अभी करेंगे दोनों साथ में फूंक मारना, ठीक है। सो हमारा बजट बहुत कम था, इसलिए हम दोनों का केक एक ही साथ लाए। इसका बर्थडे सितंबर में था, इसका नवंबर में, बट हम सेलिब्रेट अभी कर रहे हैं क्योंकि गेट टुगेदर अभी हुआ है। मुझे नफरत हो चुकी है इन चीजों से, पता है मेरे बर्थडे में से मेरे मुंह में यही आ रहा है। किस चीज से नफरत होगी? ये वाले मुझे इनसे प्यार, ये व्हाइट वाले, और मुझे तो उससे नफरत है। ये व्हाइट वाले दाने, अरे अच्छे होते हैं वो, चॉकलेट चिप्स बोलते हैं उसे, व्हाइट चॉकलेट चिप्स, ब्लैक चॉकलेट चिप्स। मोमबत्ती लग रही है? नहीं मोमबत्ती नहीं है, वो है शिशु मानू का, वो कौन सा चॉकलेट रोल, चॉकलेट रोल ही खाता शिशु मानू निंजा हथौड़ी में। देखो यहाँ पे अभी एक कॉमेडी भी उसके हाथ से गायब हो गया, शिशु मानू गायब हो गया।
क्या मुझे जी मानो एक टिश्यू देना अंजलि, अंजलि एक टिश्यू देना, उसे केक नहीं उसे टिश्यू चाहिए। अरे ये डाल रही हूँ मैं, भाई जल्दी छूट करना का करना अच्छे से करना है ए आले आले रे आले मेरी लेन के साथ। ये तो भाई जबरदस्ती बोलती है इसे तेरे मुंह दिखा दिखा अबे वो शीशी मानो को नहीं यार सगोर सगोर से प्लीज ना यार मुझे मत करो अच्छे से करो मत कर अच्छे से काटो यार डर पड़ रही मुझे ये ना देखा जाए तो सबके सब कड़ो कर देते हो ना तुम फालतू वाली हरकत सो हम खाना पीना खा के चलने लग गए थे घर की तरफ और उससे पहले हमने क्लिक की कुछ फोटोज। नहीं आ रहा भाई ये फावड़ा पहन के आ रही है देखना चल 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 अरे वो है वो ये खड़ा 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 खाली हो रखे ये देख खाली हो रखे बहुत ही बकवास लग रही है आवाज देखियो जरा कड़म कड़म हो रहा है एक में वो है एक देखा उसकी आवाज सुना मेरे तो इससे नहीं आ रही इसमें है तो इससे नहीं आ रही एक में ब्लैक एक में मेरे नहीं हो मेरी बहन के एक पिक्चर ले लो जिसके भी है बट फिर भी चल ना गार्डन में चलते हैं वहां लाइटिंग में एक फोटो खींच के आते हैं पेड़ के पास सामने चिपक जाना एक बच्चू इसको चलने दो काम धाम तो है नहीं इनका इनको बस फोटो शूट चाहिए अंजलि तो सबसे पहले जाती है फोटो शूट के लिए वहां ना लोग हैं वहां मजा तो हम स्पेशली इस ट्री के सामने आ रखे फोटो खिंचाने के लिए हम फोटो शूट करेंगे अपना और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है तो बहुत अच्छी लग रही है दुख दुख नहीं होना चाहिए पागल ओह माय गॉड कितना ब्राइट आ रहा है मैं अपने रूम में ना पक्का यही लगाने वाली लड़ी मैं अपना एक स्टूडियो बनाऊंगी अपने घर पे ना उस पर यही लड़ी लगाऊंगी कितना मस्त लग रहा ना मस्त लग रहा ना ये लड़ी लगा देंगे यार घर पे देखना फेस कितना अच्छा आ रहा है इसमें जाना अच्छा लग रहा ना ये लाइट बहुत अच्छी है मुझे पसंद आई मैं तो बिना मेकअप की हूँ पिंपल मेरा वाइब्रेंट बहुत ये मेरे भद्दी वो मतलब आवाज आदमी वाली आवाज चल एक मिनट रुक जाना इस साइड मुंह कर इस साइड दे साइज पोज़ ऐसा कर एलईडी में मुंह चिपका दे चल एक पाउट फेस अंजलि चल ले ले मैं फुल ले लेंगे हम तेरी शॉट भी लेंगे हम तेरी नहीं आई खींची नहीं आई एम अ स्पॉइलर एक गले में तू आई गर्दन में मैं करने यहाँ पर तुम अब हम घर जाने की तैयारी में हैं। ये सब अपनी जटाएं बांध रही हैं कि भूत ना चढ़ जाए गढ़वाली गर्ल बी लाइक कि जब भी ट्रैवल करती है तो बाल बांधती है और ये भी बांध रही है मैंने तो बांध ही दिया है सो मिलते हैं अब घर में बेबी जैसे हम बचपन में नहीं करते थे प्रोजेक्ट बनाते थे असाइनमेंट जगह का घर ठसवाने के बाद ये करवा रही है हमसे मैंने ये बनाया गाइस मैं खाली नहीं बैठती मैंने डब्बा बनाया ये हमारा घर है वो इसमें रहने मोनिका ने जहाज बनाया मोनिका यार ओए भालू यार तेरी जैकेट अच्छी लग रही मुझे हवाई बट इतनी ठंडी है ना गर्म है ना पूरी सर्दी निकाल और ये है अंजलि गाइस मेरा चौथा चार्ट बन रहा है और चौथा आधा आधा काम करके छोड़ रही थप्पड़ मारूंगी ना देख कितना ये वाला कर रही सुंदर लग रहा है अंजलि सुंदर लग रहा है भाई जब सुंदर ही बना रही भाई मैं और मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ गाइस मैं बहुत सुंदर काम करती हूँ बस मेरे तो सारे चार्ट है तो मैं बोलना चाहूंगी कोई भी चुप ना
कोई भी मैं बोलूंगी बीएड कोई भी करना, कोई भी मत करना, मत करना, वो मेरी जिंदगी की सबसे पहली गलती है और इस गलती को मैं बोल बोल चोर चोर से चिल्लाऊंगी। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें बीएड करना था बट अब ये मेरा काम देख के नहीं करना चाह रही हैं। चुप, मेरे पड़ोस की और भी थी, मैंने उनको भी मना कर दिया। इंडिया का झंडा कौन सा कलर था? पीला कर ले। ये मैं भी होली खेल के आ रही हूँ, वो मेरा कोई फेक हंसी नहीं है, वो मेरी रियल दी है। नारियल के पेड़ कौन से कलर के होते हैं? पीले। बताना, पीले, गोल्डन, गोल्डन कलर के नारियल के पेड़। ऊपर ग्रीन होता है, मेरे को देना इंडिगो। तूने इसमें इंडिगो लिखा ना? झापड़ मारूंगी तुझे। किसे बोला इंडिगो ली? इंडिगो की एयरलाइन है वो, ब्लू कलर से। मैं इंडिगो से जाऊंगी, मैं इंडिगो से जाऊंगी। अंजलि बिस्कुट दे यार, बिस्कुट जल्दी देना यार। बेबी सुन, मैं हवाई जहाज देना। बेबी क्या है? मैं एरोप्लेन से जाऊंगी इंडिगो से, तू मोनिका से जाएगी हेलीकॉप्टर से, डबरा लिस्ट से जाएगी, मोना शिप से जाएगी और अंजलि चप्पू से जाएगी। अंजलि चप्पू से जाएगी, नाव से। चप्पू चला, मैं तो हेलीकॉप्टर से बुड़ 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 करूंगी। मैं एरोप्लेन से, ये अंजलि हॉट बलून से, ये हॉट बलून से, हॉट बलून में तो बहुत दिक्कत होती है। लोग जा चुके हैं घर और मेरा काम भी हो चुका है कंप्लीट। वैसे तो काम पहले से था, मैंने बस इन्हें हेल्प करने के बुलाया था अपने चार्ट वगैरह के लिए। सो थैंक यू ऑल मेरी हेल्प करने के लिए, और आप लोगों को भी थैंक यू कि आप मुझे ढेर सारा प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस में कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं और शेयर करते हैं। सो थैंक यू ऑल। सो या अब तो मैं सोने जा रही हूँ, थक गए हैं बहुत ज्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहना मेरे साथ आगे तक। और अगर आपको मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर जरूर करना, चाहे बेसिकली शेयर करना पर करना जरूर। बाय।